कि आप ट्रेन में बैठेंगे कैसे, आपको ट्रेन के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। एटीएम लगा है इस यहाँ पे, ये टैन दयाल इसने अंदर खींच ली, फिर ये टैन दयाल जो है जितने जितने शॉप्स आ रहे हैं वो एरो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कितना है। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, बड़ी ही प्यारी बात बताता हूँ, आप की आ रही है। अच्छा सामने का व्यू देखें जी, सामने अल्कनार आ गई। यहाँ पे दो लाइन्स इकट्ठी हो रही हैं, एक गोल्ड लाइन है और एक लाइन है जनाब रेड लाइन है। रेड लाइन जो है वो दोहा जदीदा वाली है और गोल्ड लाइन जो सॉरी ये ग्रीन लाइन जो है ये रिफा मॉल ऑफ कतर। मॉल ऑफ एस्केलेटर पे जगह ही नहीं थी। अच्छा मेट्रो में कभी इतना रश नहीं देखेंगे, आज न्यू ईयर नाइट थी तो यहाँ पे लोसेल में इतनी सारी दुनिया आई हुई, इतना रश नहीं देखा, कभी नहीं देखा इतना रश यहाँ पे मेट्रो में। और एक अच्छी बात है कि सुबह मेरी ड्यूटी में Gate 2 is not working. Yeah. Is this mechanical fault? Yeah. Okay. Maybe, I don't know. Gate is not open. You have to tell. I thought you are the staff. Doesn't matter. Yeah. मैं कोई भी शख्स जो है वो अकेले कुल तो नहीं होता, आपकी instructions की हमें हर वक्त ज़रूरत रहेगी। ये मुशरफ का एरिया है, वो सामने जो है वो लिंक्ड बस खड़ी है, रेड कलर में जो बस मिलेगी वो आपको फ्री मिलेगी। करवा बस जो है उसका कलर आपने वो देखा है, वो चेंज आई थिंक ग्रीन था लाइक। तो ये जो है ये मेट्रो बस है और ये काफ़ी बड़े रूट को यहाँ पे कवर करती है। मुशरफ का अंदर का एरिया आप देखें बहुत खूबसूरत है। रोड क्रॉस करने के लिए वो जो एरिया सामने देख रहे हैं ना आप, वो वाला वो काफ़ी डिफरेंट है मेट्रो का, ये वाला एरिया काफ़ी डिफरेंट है। और ये स्पेसिफिकली इसको भी डिज़ाइन किया गया है ना, जो ये डिफरेंट उससे टेक्सचर डिफरेंट है इसका, ये टाइल्स डिफरेंट है, पत्थर है या टाइल्स है ये डिफरेंट है। ये मुशरफ के एरिया को आप जरूर विजिट करें, ये जो सामने एरिया है बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं। ये रेड है, ये भी करवा बस है लेकिन मेट्रो लिंक के तौर पे काम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है रेड बस जो है। अच्छा मेरा इस पर जो एक्सपीरियंस रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया हुआ 3 months ago मैंने एक विज़िट किया था इसके ऊपर, तो मुझे उस वक्त का ये आइडिया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुशरफ की ये बिल्डिंग इसी तरह की आपको बिल्डिंग्स लोसेल में मिलेंगी, वो सामने लोसेल नहीं है मुशरफ है, लेकिन इस तरह की इस डिज़ाइन की स्ट्रक्चर की बिल्डिंग जो है ना आपको लोसेल में भी मिलेंगी। अच्छा जी यहाँ से ये डिफरेंट डिज़ाइन है और सामने बिल्कुल अगर आप चले जाए ना तो वहाँ पे बड़ी प्यारी सी मस्जिद है एक, ये होटल का स्टाफ है, यहाँ पे होटल्स मिलेंगे, बड़े अच्छे लग्जरी होटल आपको मिलेंगे यहाँ पर। कैमरे को थोड़ा सा मैं आप अपनी तरफ करूँ तो आपको मैं जो चीज़ दिखाऊँगा मुझे आइडिया रहेगा कि आप किसके बारे में हमारी बात हो रही है। अच्छा जी ये सिस्टम है आई थिंक इसके साथ नीचे और एलिवेटर जो लगी हुई है ये उसका सिस्टम है। यहाँ पे मुशरफ का जो ये जो स्टाइल है ना ये ज़रा डिफरेंट है, ये डिज़ाइन डिफरेंट है जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे इसकी ये ग्राउंडिंग हुई हुई है, प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग हुई हुई है, आपको फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा अब आपने ऑब्जर्व करना है ये मॉस्क किस तरफ है, ये आपको पूरा मैप मिल रहा है मस्जिद जो है वो कौन सी है और बाकी खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह अरबी और इंग्लिश और साइनेजेस में आपको मिलेंगे ताकि आपको आसानी से नज़र आए समझ आए हर चीज़ के हवाले से। और पीछे मुशरफ स्टेशन, बड़ा पोश किस्म का ये एरिया है स्पेशली। अच्छा यहाँ पर आप साइकिल स्टैंड ये है, यहाँ पे कहीं पे भी आप साइकिल चलाएं, आपको साइकिल पे ये नहीं है कि आप ये अगर ऊंची नीची जगह है तो यार आपको जो है वो उतरना पड़ेगा फिर नीचे साइकिल उतारनी पड़ेगी, इस तरह से नहीं है। इन्होंने प्लेन प्लेसेस बनाए हुए हैं साइकिल गुजरने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इसके साथ आपने साइकिल को होल्ड करना है और उसको लॉक करना है, ये बैठने की जगह है। यहाँ पे शाम को काफ़ी दुनिया आती है। अब ये जो एक ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा ट्रैक है, यहाँ पर शाम को ट्रेन चलती है इस ट्रैक पर से, ये जो ट्रैक है ना इस पे शाम को
ट्रेन चलती है वो पैसेंजर्स क्या होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा एरिया जो है उसके ऊपर सिर्फ इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। अच्छा जी, एक तो कंपैरिजन मैं इसको करूँगा, ये जो ट्रेन है, इसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं कंपेयर करूँगा वहाँ की जो मेट्रो है। तो आपके जहन में अभी से ही कुछ इमेजेस आ चुके होंगे या फिर आप खुद ही कंक्लूजन निकाल चुके होंगे कि वहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन हम इसको देखें, अगर जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिहाज से देखें तो हमें ये कुछ देखना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं आपको ये पता नहीं चलेगा और आप कभी भी बेहतरी की तरफ जा नहीं सकेंगे, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, मनाजर देखें, खूबसूरती देखें, डिज़ाइनिंग देखें और सफाई देखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए अपने साथ यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है मैंने आपको। ओह वाह, कॉर्नर से कॉर्नर तक सफाई रहेगी और आपको अक्सर लोग जो है ना नज़र आए हैं, मेट्रो में भी नज़र आए हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आए हैं कि कोई कॉर्नर नहीं छोड़ रहे, उस पर सफाई जो है ना वो आखिरी हदों तक है जनाब, कमाल है। और ये देखें, ये ओपन एरिया में इन्होंने गद्दियाँ रखी हुई हैं और इधर बैठने की प्लेस बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत है, वाह नरम है वाकई, ये तो प्रॉपरली बैठने के लिए इन्होंने बनाई हुई है। अंदर रेस्टोरेंट है और ये यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मशरब एक पैसेज है। अच्छा जी, वो साइकिल्स नज़र आ रही हैं सामने, साइकिल्स ब्लॉक हुई हुई है, किधर गई, कहाँ गई, घूम गई, या वो साइकिल सामने खड़ी हुई है। ये थोड़ा छोटे से वाटरफॉल देख लें, अच्छा ये वाला दरख्त नहीं इन्होंने काटा यार, देखो अगर ऐसा दरख्त पाकिस्तान में होता ना तो उन्होंने कहना था यार इन्हों से लाओ पहले इन्होंने कटो वटो। ये देखें इसके पत्ते देखें, ये आपने सड़कों पे बड़े देखे होंगे, हमारी ये जो आम सड़कें हैं आम चौराहे हैं उन पर आपने बहुत देखे होंगे। मैंने ये चींटी नजर आई है यार, कोई ये ना कहे कि मैंने कतर में आपको चींटी नहीं दिखाई थी, ये चींटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चींटियाँ जा रही हैं। लेकिन कौवे की शिकायत आप मुझसे कर सकते हैं और मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि कौवा मैंने नहीं देखा और आप मुझे दिखा दीजिएगा यहाँ पे कोई कौवा है तो उसकी पिक्चर बना के वीडियो बना के मुझे शेयर करें तो मैं आपको, कमाल है, मान जाऊँगा बस इतना चलेगा। तो ये अच्छा, सफाई देखें, ये सर्फ से सफाई हो रही है जनाब, और स्पेशली देख क्या बात, मेहनती लोग हैं, कोई गर्मी सर्दी नहीं है, इन्होंने मेहनत करना है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऐसे बंदों की, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी क्योंकि बड़े मेहनती लोग हैं। अच्छा, और ये मुशरब का जो पैसेज है ना सीधा, ये सीधा सूख वाकिफ में निकलेगा, सूख वाकिफ के बारे में किसको नहीं पता, और मेरे तो 36 तो मेरी वीडियोस उसके ऊपर ही हैं सिर्फ सूख वाकिफ के ऊपर, ऊपर छत पर नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि इस टॉपिक को लेके सूख वाकिफ पर। अच्छा जी, सेबरा क्रॉसिंग देखें कितनी नीट एंड क्लीन है, मानते हैं ना आप, मैं भी मानता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया, मेरी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ये देखो यार जो है वो क्रेडिट जाता है इनकी मैनेजमेंट को, यहाँ पे आप ये सूट्स हैं, यहाँ पे ब्रांड्स के आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, अगर कुछ परचेज करनी है ब्रांड की तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। वैसे मुझे रोज़े का बिल्कुल भी पता नहीं लगा क्योंकि गर्मी नहीं है यहाँ पे अभी, और ये कौन सी जगह है, क्रिस्टल हाउस, तो ये क्रिस्टल हाउस के बिल्कुल बाहर से हम लोग गुजर रहे हैं और ये इसका फ्लोर है, ये सीट्स हैं, ऊपर क्योंकि शेल्टर्ड है वो कबूतर दो, और नीचे जो है वो सिटिंग प्लेस है, ये वही मुझे लगता है ये नीम का नहीं है, नीम का नहीं है, ये उसी तरह का ही दरख्त है शायद, नहीं ये डिफरेंट है,
डिफरेंट है, लेकिन भाई कदर तो है, दरख्तों की कदर है यहाँ पे, और क्योंकि इनको पता है कि कितनी मेहनत से ये मिट्टी मंगवाते हैं और यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी लेकर आए हैं बहुत मेहनत से, तो यहाँ पे इसकी तो कदर है। हर थोड़े से एरिया में इन्होंने ये किया हुआ, और कुछ बहुत सारे ऐसे एरियाज इन्होंने खुद से इनको डेवलप किया है, उनको ग्रीन एरिया बनाया है। मशरफ डाउन टाउन दोहा, ये डाउन टाउन है मशरफ का, इसको डाउन टाउन कहते हैं, मशरफ डाउन टाउन दोहा। सामने बिल्डिंग के कलर्स देखें आप, दीज आर द कलर्स ऑफ द बिल्डिंग। ओके, ये डिज़ाइन देखें यार, कैसा डिज़ाइन है ये छत, ये शेल्टर्ड है छोटा सा, लेकिन खूबसूरती है शेल्टर, क्या खूबसूरती है ये। वैसे शेल्टर तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है ना, ये जो टाइल्स है ना, अगर किसी को सजा देनी है तो नंगे पाँव यहाँ पे गर्मी में खड़ा कर दें तो बंदा वो टिक नहीं सकता यहाँ पे, इतनी शदीद गर्मी है। कतर की गर्मी रेली बहुत ख़तरनाक गर्मी है, बड़ी ज़्यादा गर्मी है ये। अच्छा, ये पौधे देखें यार, सफाई मेंटेनेंस जो है ना वो अपनी मिसाल आप है बहुत। ये देखें, ये अभी फिर मिल जाएगी आपको, सफाई हो रही है। एक चीज़ मेहनत से लगी है तो उसको कंटिन्यू भी रखना है भाई। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो बैरियर्स कह लें इसको, किस तरह का इसका डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और ये हम लोग वो सामने सूख वाकिफ के पास पहुंच चुके हैं, सामने आप क्रॉस करेंगे इसको तो आपको सूख वाकिफ मिलेगी। और ये जो टाइम है ना, ये बड़ा फ्री टाइम है, यहाँ पे कोई रश नहीं है, बड़ा ही मज़ेदार टाइम है। आप आराम से जो है वो इस एरिया के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसी वीडियोज़ भी बनती हैं, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ, कुछ बहुत सारे लोग जो यूरोप साइड से इधर उधर से भी आए होते हैं, तो फिर मुझे वीडियोस को थोड़ा बंद करना पड़ता है या इधर उधर उसको लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों की जो वेयरिंग है वो जो है वो। बाकी ये यहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे स्टेयर केसेस से, ये साथ देखें आप दीवार, पानी को कैसे यूटिलाइज किया हुआ है इन्होंने खूबसूरती के लिए। और नीचे का जो पोर्शन है देखें, कमाल है ये पोर्शन नीचे वाला, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, निराला, सबसे आला, क्या बात। अच्छा जी, सूख वाकिफ, द वे ऑफ सूख वाकिफ, वो सामने लिखा हुआ है, सूख वाकिफ का नाम लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी सी ग्रीनरी बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा दूँ, दिस वन हेयर। बिम्स की खूबसूरती आप देखें, बिम्स कैसी बनी हुई, ये एक थोरो बेंचमार्क है, जिसमें मैंने मेट्रो भी दिखाई है आपको, आपको यहाँ के एरियाज़ के हवाले से किस तरह की जो इन्होंने डिज़ाइनिंग है, किस तरह से बिल्ट अप किया हुआ है वो मैंने आपको दिखाया, उनकी बिल्डिंग्स दिखाई, उनके पैसेजेस दिखाए, उनके फ्लोर्स दिखाए और ATMs दिखाए, मतलब हर वो चीज़ जो कि आपको जाननी चाहिए कि क्या कर रहे हैं इसको, ये होनी चाहिए। हम अभी कवर्ड एरिया में है, और यहाँ से जब मैं क्रॉस करूँगा तो मैं डायरेक्टली सूख वाकिफ में आ निकलूँगा, पीछे सूख वाकिफ का रास्ता है, मैं जैसे इसको क्रॉस करूँगा तो हम सूख वाकिफ में पहुँच जाएंगे। What a scene. अब यहाँ पे ये वो जो एंट्रेंस आ रही है ना, वो सूख वाकिफ की आ रही है। अच्छा, सामने का व्यू देखें जी, सामने अल्फनार आ गई, अल्फनार मस्जिद, जिसकी मैं आपको लास्ट वीडियो एक भेजी थी, बताई थी, अपलोड की थी, जिसमें 42 पीपल जो है वो इस्लाम में शामिल हुए थे, 42 पीपल, और वो बहुत लाइक की गई है वीडियो, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो ये तो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त मोमेंट होती है जब मैं देखता हूँ कि जब लोग इस्लाम को समझते हैं और उसके हवाले से
जो है वो इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। मैंने देखा कि मैं जब मुस्लिम हुआ तो उसके ऊपर खुशी की एक बहुत बड़ी लहर थी, दुनिया बड़ी उसको वेलकम कर रही थी और बड़ा खूबसूरत मंजर था वो। और मेरी तरह एक और ब्रदर है जो जिन्होंने सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है, गिम्बल पकड़ी हुई है और उस पर वो वीडियो बना रहे हैं। तो ये जगह ही ऐसी है जनाब, यहाँ पे किसका दिल नहीं करेगा वो वीडियो बनाए, जगह ही बड़ी प्यारी है। इसके बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपसे मिलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इस को कंपेयर करूँगा। अच्छा, अब वहाँ पे मेट्रो है, वहाँ पे भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे हम अनारकली में जाएंगे, वहाँ देखेंगे और कंपेयर करके करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे उनके डिसिप्लिन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी जो मेट्रो है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। मेट्रो ट्रेन भी अवेलेबल है और मेट्रो बस भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो बसेज हैं मेट्रो की वो लिंक्ड बसेज है और मेट्रो ट्रेन है, लेकिन रोड के ऊपर आपको मेट्रो ट्रेन तो नज़र नहीं आ सकती क्योंकि वो टोटली जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है, नीचे की तरफ है। तो एक कुछ जगहों पर वो बाहर है, जैसे आप उकबा बिन नाफे की तरफ जाते हैं तो आपको मेट्रो जो है वो रोड के ऊपर नज़र आती है। गल्फ ड्राइविंग स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको वो रोड जो है वो बाहर नज़र आती है। लेकिन अगर आपने एयरपोर्ट जाना है मेट्रो में, सिंपली मेट्रो में बैठे और सीधा एयरपोर्ट के अंदर बाहर निकले, क्या बात है, कमाल है। अच्छा जी, ये थंब है अंगूठा, उसके साथ पीछे दो मस्जिदों के मीनार हैं, ठीक है, उसके साथ दो मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। और ये अल्फनार का ये पूरा पैसेज एक तो मुशरफ में दाखिल हो रहा है और वहाँ से निकलते हैं तो सीधी अल्फनार मस्जिद नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत मंजर है ये। शाम को इस पैसेज में आपके पास गुजरने की जगह नहीं होती, जो शाम को इवनिंग में आप इस पैसेज में इतना रश होता है कि गुजरने की जगह तो होती है, मतलब कहने का ये है कि आपको बड़ी दुनिया नज़र आ रही होती है, उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होता है और ये सारी दुकानें जो है ना अपने फुल जोबन में होती हैं उस वक्त, यहाँ पे अंदर बाहर खाना पीना चल रहा होता है। ये लिमिटेड एरियाज हैं, इससे बाहर ये कुर्सी नहीं निकाल सकते, ये इनकी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर अंदर रह के इन्होंने यहीं पर कुर्सी रखनी है, इसके बाहर नहीं निकाल नहीं सकते। जो एरियाज जिसको मख्तस कर दिए गए हैं ना पैसेज में, वो नहीं आ सकता। ये नहीं है कि जी मैंने एक और बंदा बिठा लिया किराए पर, वो जो है वो अपना अलग से उसको बर्गर पॉइंट दे दिया है, शवारमा पॉइंट दे दिया है, ऐसा नहीं होता। वक्त शाही, शाम को आप यहाँ पर आएँ, अभी तो क्लोज टाइम चल रहा है इसका वक्त शाही का, और जब आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो आप देखें इंतहा का रश होगा, आपको अंदर आपके पास खड़े होने की जगह नहीं होगी, एग्जैक्टली खड़ी होने की अंदर जगह नहीं होगी आपके पास। ये सराही और लाइक रोशनी काफ़ी कम हो गई है वैसे तो इस वक्त। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये मुझे ये बड़ी पसंद है। ये चिराग हो गया, छोटे चिराग हैं, बाकी सारी चीज़ें, ये यहाँ की कुछ रवायती चीज़ें भी आपको मिलेंगी यहाँ पर, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं कुछ रवायती चीज़ें भी हैं। फिर ये हैं आप देखेंगे इसका स्पेशली डिज़ाइन जो है वो जिस तरह से बना हुआ है, जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक छड़ी चाहिए होती है उसके लिए। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की, इसको देख के मुझे स्वॉर्ड्स याद आ गई, ये खंजर लगे हुए, ये सामने खंजर है। तो ये देखें जी, मैं इस कैमरा में भी साथ साथ शो करवा दूँ, रोशनी कम हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी और फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 बहुत, हिंदी में बोलें तो धन्यवाद, उर्दू में बोलें तो शुक्रिया, और मेरे ख्याल में इसका यही मतलब है, धन्यवाद का मतलब यही है। और ये अप्रिसिएशन भी की जाती है, अभी इनको 50-50 रियाल्स जो है वो इनको दिए गए हैं एक खातून की जानब से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं स्वीपर लोग, और ये इनके लिए बहुत बड़ा एक रिवार्ड होता है इनकी मेहनत का। ये कश्तियाँ हैं, काफ़ी पुराने तर्ज की कश्ती पड़ी हुई है, और मैंने इसकी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस लंगर के हवाले से दिखाया था कि ये देखें कि ये रस्टी हो चुका है और ये बहुत पुराना लंगर है और ये बहुत पुराना इनका जाल है कोई, जिससे पता नहीं कितनी मछलियां पकड़ी गई होंगी अब तक। और ये लंगर देखें, इसकी कंडीशन देखें आप, ये बहुत ज़्यादा रस्टी हो के तो इसकी हालत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। और ये कश्ती है, ये इसकी कंडीशन देखें आप, और ये इन्होंने
शायद दिखाने के लिए, मेरे नहीं ख्याल ये सेल करेंगे इसको, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इसको देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। इजाज़त मांग रहा था आपसे, इजाज़त नहीं आपने दी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट आपके साथ फिर सर्व करने चाहिए। तो ये देखें जनाब, ये इनकी फूड स्ट्रीट है, सुकवा का फूड स्ट्रीट। मरहबा, अहलान, हालो, हालो, हालो। हेलो को अक्सर जो है ना वो अरबिक जो प्रनाउंस इस तरह कर रहे थे, आलो आलो, और मरहबा भी कहते हैं, अहलान भी कहते हैं। तो ये इनके मुख्तलिफ अंदाज़ हैं फ़ोन पर हेलो करने के, हाल हवाल। और अक्सर तो अस्सलाम अलैकुम, जैसे हम लोग, हमारी आदत है कि जिस फ़ोन उठाया शादी के लिए अस्सलाम अलैकुम, तो इस तरह से भी हम लोग फ़ोन पे अहलन बोलते हैं। ये कुछ कालीन है, अभी मुझे लगता है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो इन्होंने इसको कवर कर दिया। वैसे सुबह सुबह ये दुकान खुल जाती है और ये इसको हटाएं तो उनके ट्रेडिशन जो ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग के कालीन हैं, बेडशीट्स हैं, क्विल्ट कवर्स हैं और कुछ पर्दे वगैरह हैं। ये देखिए जनाब, ये होटल तो इनका सुबह सुबह ये भी खुल जाता है होटल, और अक्सर ही दिन को भी मैंने देखा है कि यहाँ पे जनाब चाय शाय और खाने पीने का सिस्टम चल रहा होता है। पीछे आप कुछ जगह में छोड़ के आया हूँ जहाँ पे हुक्का पानी बड़ा चलता है। ये अल्फनार मस्जिद के बिल्कुल सामने हम आ चुके हैं, यही सीन था, वो सीधा मुशरफ, वो सामने आपको मुशरफ की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और इस तरफ अल्फनार नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। और ये लास्ट आज का यहाँ की सेरेमनी होगी। यहाँ पे क्या सेरेमनी होती है, मैंने कैनन फायर के बारे में आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कैनन फायर करता है, इसकी जो तोपें होती हैं तोप से एक फायर ये करते हैं, जैसे ही मगरब की अजान होती है क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है तो उससे फायर करते हैं। अच्छा, मुझे डायरेक्शन जो है मुशरफ से बाहर निकलने की जो डायरेक्शन है ना वो ये अल्फनार मस्जिद है और इसके सामने वो वाली जो मस्जिद है और उसकी बैक साइड पे मुशरफ की बिल्डिंग्स मौजूद हैं। तो ये है वो, और ये वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। इंडिया वेयर? नेटिव फ्रॉम इंडिया, मुंबई। हेलो हेलो, आई एम लुकिंग लाइक फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग, कैन यू प्लीज जस्ट गेस? नाउ दिस कैप, वेयर ग्लास, योर ड्रेस। हां, सो वेयर अबाउट दिस? ओके, टेल मी, यू आर फ्रॉम कतर? फ्रॉम कतर? आई एम फ्रॉम कतर। انا احبك انت كثير معلم. وعليكم السلام ورحمه الله. يو يوتيوب شانل نعم؟ يا يا ذس وان از يوتيوب. ايم فروم باكستان. باكستان. اوكي نايس تو ميت يو برادر. اهلا وسهلا. یہ میرے انڈیا کے دوست ہیں، میرے ملے ہیں آج میرے دوست ہیں. انیش انیش اینڈ یور ونیت. انا محمد انجم، انجم میرا نام ہے. کل مجھے ایک بندے نے بولا کہ آپ انگلینڈ سے ہیں اور پھر ترکیش سے بولا اور آج انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہیں وہ قطر کے ہیں. आप बांग्लादेश से? बांग्लादेश। वेलकम माय ब्रदर, योर गुड नेम सर? फारूक अहमद। फारूक अहमद, उमर फारूक अहमद। उमर फारूक, बहुत खूबसूरत नाम। थैंक यू विनीत, ओके, बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। यूट्यूब चैनल नेम? अंजुम सुबाती। अंजुम सुबाती, अंजुम सुबाती, ANJUM, ANJUM, SWATI, ओके, डेली व्लॉग्स, अंजुम सुबाती डेली व्लॉग्स, ओके, इंशाल्लाह, अहलन सहलन, शुक्रिया, अलैकुम सलाम। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर अल्फनार में पहचानना शुरू हो गया मैं, क्योंकि मैं उस वो जो वीडियोस बनती हैं ना, मतलब जब कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ और उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ। तो अक्सर अल्फनार मस्जिद में जो जो बाकायदा नमाज़ पढ़ते हैं ना जी, वो मुझे अक्सर मिलते हैं और मुझे आप मेरा नाम लेके पुकारते हैं, मेरे चैनल के हवाले से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ज़रूर ये वाली वीडियो भी आप शेयर कीजिएगा। इसमें मोटिवेशन पैदा होती है, इससे मोटिवेशन पैदा होती है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस्लाम की तरफ क्यों लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं लोग। तो ये वो है, अल्लाह की बरकत देखें जनाब कि मैं काफ़ी देर से मैं इस वक्त विज़िट में हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता, रोज़े का कुछ एहसास नहीं हो रहा और आज चूँकि गर्मी नहीं है
तो गर्मी होती है तो प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो रोज़ा उस वक्त शदीद तरह का आपको एक बार फील करवाता है। लेकिन बात सिर्फ साइकोलॉजी की है, मैं समझता हूँ कि बात सिर्फ साइकोलॉजी की है। अगर आप अपने जहन पे किसी चीज़ को ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, आपको अंदर से वो खाएगी। लेकिन अगर आप रोज़े को ज़्यादा फील नहीं किया, आप अपने कामों में मगन है, तो आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं होगी। पेन तो कुछ भी नहीं है, पेन का मतलब ये है कि आप उसको पेन समझ रहे हैं। वो अगर आप शौक से करेंगे तो रोज़े जैसे मज़ेदार चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि अगर रोज़ा आपको फ़ील होगा तो आपको इफ्तारी में मज़ा आएगा। और अल्लाह ताला का फरमान इस्लाम में है कि अल्लाह के रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, दो खुशखबरियाँ हैं, एक अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त और दूसरा रोज़ा अफ्तार के वक्त। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, वाकई अफ्तारी में फिर बड़ा ही मज़ा आता है। जिस वक्त आपको रोज़ा फील करवा रहा होता है ना जी कि हाँ भाई मैं हूँ, तो उस वक्त आपको अफ्तार का बड़ा मज़ा आता है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कवर्ड एरिया से नहीं गुजरना, क्योंकि वो सामने देखें, वो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। बिल्डिंग्स ये है वेस्ट बे। कल मैं वेस्ट बे में था और वहाँ पे कुछ मेरा मकसद था कबूतरों को दाना शाना डालने का, और कल मैंने वहाँ पे कबूतरों को दाना डाला। आउटस्टैंडिंग, बड़ा ही मज़ेदार सा वो सीन। कबूतर जैसे आके मेरे इर्द गिर्द बैठ गए थे और मैं बैठ गया था, कबूतर मेरे गिर्द आके बैठ गए थे, जैसे हम कोई गप्पे शप्पे मार रहे और जैसे कोई हम लोग चुका है काफ़ी टाइम आपके साथ। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे मुलाकात करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटी सी बात और, जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा अल्फनार, उसके साथ एक और वो पुरानी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, अंदर से पुरानी मस्जिद है। पुरानी मस्जिद को देख के आपको वैसे ही बड़ा दिल खुश होता है। और ये जो मस्जिद, ये जो ऊपर ये मीनार आप देख रहे हैं, ये वाला मस्जिद, ये वाली, ये इस मस्जिदों की मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हैं, आपने इनको ज़रूर देखना है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे इजाज़त दें डेली व्लॉग अंजुम स्वाति के इस चैनल में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अहलन, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अरे खैर कुल्लू तमाम।